पांच साल तक इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मोटिवेशन के साथ, लोगों को समझ के म्यूचुअल फंड पैसा देता है, जो रियल बात है, लगातार पांच साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वैल्यू बनती है 1,80,000। एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है। अब 1,80,000 अगर आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 1,80,000 की वैल्यू लगभग 2,75,000 बनती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में दिया है, बहुत वीडियो बना चुका। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा था कि भाई जब मार्केट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है ना, मतलब जब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं तो डर जाओ यार, और जब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं तो मतलब वहां और इन्वेस्टमेंट करो। तो आज की कहानी कैसी है? आज की कहानी है कि देखो, आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, साइंस मार्केट जा रहा है ऊपर, चारों तरफ हरियाली हरियाली है भाई, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे फंड रिटर्न दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में तीन क्वेश्चन आपके मन में जरूर होगा। पहली बात कि भाई अभी लमसम करें कि ना करें, या करें तो कितना करें। पहला क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कितने लोगों के मन में क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में है कि लमसम करें कि ना करें अभी, और करें तो कितना करें, पहली बात। सेकंड चीज, अगर वॉरेन बफे साहब ने कहा है कि मार्केट हाई होता है तो डर जाना चाहिए, अगर हम डर रहे हैं तो भाई क्या स्मॉल कैप से मिड कैप में जाएं कि स्मॉल कैप से लार्ज कैप में जाएं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में, भाई मार्केट अच्छा है, मेरा तो पोर्टफोलियो मुझे 20-25,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक काम करता हूं 20-25,000 निकाल लेता हूं, कुछ घर के कामों में लगा दूंगा, कहीं लगा दूंगा, कम से कम फील तो हो कि म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे तो भाई कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको तुरंत मिलने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहना, क्योंकि देखो यार मार्केट अभी 65,000 पहुंच गया है, 65,000 किसी ने नहीं सोचा था, जब 62,000 पे था सब लोग कहते थे भाई गिरेगा गिरेगा गिरेगा, नहीं गिरा, कंटिन्यू हाई रहा। इसके पीछे कारण पता है आपको, इसके पीछे कारण आपको मालूम है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन कंपनी में, ये बेसिक रीजन है। FIIs बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। निफ्टी 50 पहुंच गया 19,000। अब आने वाले समय में किसी को नहीं पता क्या हो सकता है, थोड़ा ग्राफ देखेंगे। भैया जी थोड़ा कैमरा पास लाना, देखो ग्राफ के माध्यम से समझो। पहले क्वेश्चन लेते हैं कि भाई प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यार कहानी है ये आपका सेंसेक्स से ग्राफ, समझ गए, जो दिखता है आपको ऐसे चलता है वो ग्राफ, समझ गए। अब वो ग्राफ अगर अच्छा जा रहा है मतलब आपका म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में जा रहा है। अब ग्राफ की कंडीशन देखो, 2019 में बहुत बढ़िया ग्राफ था, सब लोग सोच रहे थे बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन सडनली मार्केट गिरा कोविड के कारण। 2020 में कोविड की कंडीशन ऐसी थी कि मार्केट नीचे गिरा, काफी लोग को लॉस हुआ, लोग सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन यहां लॉस हुआ। अगेन 2022 में थोड़ा बहुत इधर उधर युद्ध हुआ, यूक्रेन वॉर, कुछ अमेरिका में बैंक का घोटाला, इसके बाद 2022 में मार्केट फिर नीचे गिरा। अब 23 की कंडीशन देखो कि मार्केट ऊपर नीचे है, मतलब समझे कहानी, मार्केट भाई अनएक्सपेक्टेड है। आप ये सोचोगे कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा तो ये सोचो कि प्रॉफिट बुक करने का बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। एक एग्जांपल से और समझते हैं, बड़ा मजा आने वाला, ध्यान देना। सपोज आप 3,000 के एसआईपी आप कर रहे हो, 3,000 के एसआईपी कर रहे हो, अब 3,000 के एसआईपी कर रहे हो, दो साल में आपने इन्वेस्ट किया 72,000 रुपए, ध्यान देना। अब बोलोगे कि सर मैं प्रॉफिट बुक कर लूं कि ना कर लूं। देखो यार सबसे पहले अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो आप कंपाउंडिंग खराब कर रहे हो। अब कंपाउंडिंग कैसे खराब कर रहे हो ये देखो थोड़ा सा, 72,000 आपने दो साल में लगाया, कैसे, क्योंकि 3,000 प्रति महीने एसआईपी कर रहे हो, तो लगातार दो साल जब करोगे ना तो वैल्यू बन जाती है 72,000 रुपए, ठीक है। अब 72,000 अगर आपको 15% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 15% मिल रहा है तो वैल्यू बन रही है 84,000। अब लगातार आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मोटिवेशन के साथ, लोगों को समझ के म्यूचुअल फंड पैसा देता है, जो रियल बात है, लगातार 5 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वैल्यू बनती है 1,80,000। एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है। अब 1,80,000 अगर आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 1,80,000 की वैल्यू लगभग 2,75,000 बनती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में दिया है, बहुत वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इतने रिटर्न दिया है आराम से। लेकिन हमारे जो बुद्धू राम थे जो ये सोचते थे कि भाई मार्केट हाई जाएगा, यहां मार्केट हाई जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि रिडीम कर लूं, बुद्धू भाई ने सोचा यहां मैं रिडीम कर लूं, तो 1,80,000 का 80,000 निकाल लिया,
80,000 जब निकाला तो इनके पास कितना बचा? इनके पास वैल्यू बची 1,00,000। अब सोचो केवल अगर 1,00,000 वैल्यू बची तो इनके पैसों की कंपाउंडिंग नहीं हुई यहां, क्योंकि अगर जो इनको इंटरेस्ट, एक्चुअली जो इनको ब्याज बनता, जो इंटरेस्ट वो कमा रहे थे, उसी इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट बनता इनका, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। क्यों? क्योंकि बीच उन्होंने पैसा निकाल लिया तो 1,80,000 निकाल लिया तो यहां लगभग वैल्यू 1.5 ही बन पाई, क्योंकि आधा पैसा निकाल लिया। अभी जो पैसा रखते उसका इंटरेस्ट बनता और उस इंटरेस्ट का भी इनको इंटरेस्ट मिलता, जो नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट की सिचुएशन जो भी हो, कुछ भी कंडीशन हो, आपको रिडीम नहीं करना है, पैसे निकालना नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ के बात को, पहले इंपॉर्टेंट चीज हमसे सीख मिली, ये देखो यार कुछ भी सिचुएशन हो, ये मार्केट का काम है, zigzag चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, सिचुएशन आएगी, चारों तरफ खबर कुछ न कुछ आपको मिलती रहेगी, लेकिन आपको कुछ भी हो जाए आपको पैसा नहीं निकालना है, लगातार इन्वेस्टिंग करते जाना है, क्योंकि अगर आपने बीच में पैसा निकाला कंपाउंडिंग खराब करोगे। बात है, पता है क्या बोलोगे कि सर मैंने तो 2,00,000 लगाया था, मैंने 2,00,000 लगाया था, आज वैल्यू केवल 2,10,000 ही दिख रही है। ये पता है कब होता है? ये तब होता है जब लगातार आप प्रॉफिट पैसे निकालते रहते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले प्रॉफिट नहीं बुक करना है, अपने आप पे प्रण ले लो, सोच लो, क्योंकि आपने प्लान लंबा बनाया है, पहली बार। दूसरी बात पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मार्केट हाई है, क्योंकि वॉरेन बफे साहब ने कहा है कि मार्केट हाई रहता है, जब लोग खुश होते हैं तो डर जाओ, अभी लोग काफी खुश हैं तो डर जाओ। तो देखो एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा, अगर कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो हाई रिस्क नहीं ले सकते, उनका टारगेट 3-4 साल म्यूचुअल फंड करने का है, तो मैं बोलूंगा कि आप अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के मिड कैप में डाल सकते हो। समझ के बात को कहानी, अगर आप मिड कैप में कर रहे हो तो थोड़े बहुत पैसे निकाल के आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ के बात को, सिंपल सी बात थी। इसीलिए ये उन लोग के लिए है जो लोग ना रियल में सोचते हैं कि भाई मुझे 2-3 साल 4 साल में पैसा निकाल लेना है, क्योंकि अभी वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत निकाल लिए हैं। तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा भी हिम्मत नहीं है, है ना, तो आप स्मॉल कैप से मिड कैप में आ जाओ। अगर मिड कैप में आपने ज्यादा फंड लिया है तो लार्ज कैप में आओ। लेकिन मुझे मालूम है जितने मेरे दर्शक आप लोग हो, मुझे मालूम है कि आप लोग बिल्कुल स्विच नहीं करोगे, रिडीम नहीं करोगे, और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, लंबे समय के खिलाड़ी हो आप, मुझे मालूम है, इसीलिए उस पे लगे रहना और आई एम श्योर पैसा अच्छा बनेगा। चलो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी लोगों का इंतजार था भाई, लमसम करें कि ना करें, और करें तो कितना करें। देखो यार मार्केट जब यहां था ना, मार्केट यहां था तो हमें लगता था कि मार्केट नीचे जाएगा, हमने लमसम नहीं किया। लेकिन एक समय आपको याद है मार्च अप्रैल की बात थी, मार्केट थोड़ा नीचे आया था, तो मैंने काफी लोगों को बता दिया था लमसम करने का टाइम आ गया है। तो क्या मैं बोला था कि भाई 400 या 500 पॉइंट नीचे गिरता है तो लमसम कर डालो। आप अगर आपका टारगेट 1,00,000 है तो आप लमसम कर डालो, 40-30,000 डाल सकते हो। तो अभी मार्केट सिचुएशन हाई है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लमसम अगर आपका टारगेट 1,00,000 है, मैं काफी वीडियो में बोल चुका हूं, अगर आपका टारगेट 1,00,000 है तो अभी आप कम से कम 30,000-40,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप में करोगे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा रिस्क भी नहीं रहता, रिटर्न भी ठीक ठाक बनते हैं, ठीक है। तो 30,000-40,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप में बहुत सारे फंड है, अब बोलोगे कौन कौन से, काफी लोग बार बार पूछते हैं। तो मिड कैप में HDFC मिड कैप फंड हो गया, कोटक मिड कैप फंड हो गया, आपका एक्सिस मिड कैप फंड हो गया, निपॉन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, सारे फंड SBI के नाम लूंगा, SBI मैग्नम, ये सारे अच्छे फंड है, इसमें से किसी फंड में आप पैसा डाल सकते हो 30,000-40,000। यस, अभी पूरा पैसा नहीं डालने का मार्केट में, मैं बार बार कहता हूं मार्केट ऑल टाइम हाई है, मैं समझ रहा हूं 65, लेकिन अभी पूरा पैसा मत डालो, थोड़ा थोड़ा पैसा करोगे तो बेटर रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको फ्यूचर में कि भाई अगर मार्केट थोड़ा भी 300-400 पॉइंट नीचे होता है तो वहां आप 40,000-50,000 और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन कवर हुए होंगे। पहला क्वेश्चन था भाई कि प्रॉफिट बुक करूं कि ना करूं, पहला ग्राफ के माध्यम समझाया आपको, ये कैलकुलेशन समझाया, क्योंकि अगर आप गड़बड़ करोगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, वे कंपाउंडिंग का फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर जब लोग दिखाएंगे ना कि मैंने 2 लोग इन्वेस्ट किया इतना बना, तो फिर आपका सिंपल रहेगा भाई, 2 इन्वेस्ट किया इतना ही बना,
क्योंकि आपने पैसा निकाल लिया प्रॉफिट वाला, तो वो चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी स्मॉल कैप अगर रिस्क कवर लेते हो तो शिफ्ट कर लेना है, लमसम कितना करना है, तो आई थिंक ये कवर हो गया होगा पॉइंटेड। तो इंपॉर्टेंट वीडियो था, जरूर बनाना है क्योंकि मार्केट सिचुएशन जैसी थी, वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था आपको समझाना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछते हो। 7 to 8 जो टाइम है बात करने का, काफी लोग बोलते हैं फोन नहीं उठाते, भाई शाम को 7 से 8 का टाइम है, उस समय फोन लगाओ, बात हो जाएगी 100%। काफी लोग से बात होती है मेरी, वीडियो कैसे भी जरूर बताना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लिया होगा, बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो जरूर मुझे बताना, आप 7 to 8 कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।